Today I show you how to create abstract fish logo. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एलिप्स टूल में जाते हैं और एक असिस्ट प्रेस करके एक राउंड शेप बनाते हैं. अभी ऊपर का पैलेट अनफिल है क्योंकि नीचे हमें स्ट्रोक चाहिए. राउंड से फिल लोगो नीचे. फिर हम ऑल्ट प्रेस करके इसको सेंटर तक लेके जाते हैं. सेम रिपीट हम इसको नीचे भी करते हैं बॉटम साइड में. ऑल्ट प्रेस करके नीचे ड्रैग करते हैं. ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके बॉटम में ड्रैग करते हैं एंड कॉपी हो जाता है. देन अब हम लाइन सेगमेंट टूल से लाइन लेते हैं और जो सेंटर में अभी ये सेंटर में आ रहा है सेंटर में एक लाइन डालते हैं. ओके अब ऑल्ट प्रेस करके लाइन जो है कॉपी कर लेते हैं. ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके और देन 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं. ओके अब जहाँ पे ये राउंड शेप एक दूसरे को कट कर रहा है ओवरलैप कर रहा है वहाँ पे हम ये लाइंस लगा देते हैं. एक टॉप में एक मिडिल में एक बॉटम में. ओके नाउ अब हम सारा सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना फिश का शेप सर्च करते हैं. अब ये हमारा फिश का शेप बन रहा है. तो इस पर क्लिक करते हैं. शेप बिल्डर टूल से इस पर क्लिक किया. फिर ये चूँकि हमें राउंड शेप में यहाँ चाहिए तो थोड़ा राउंड शेप में कर लेते हैं और नहीं चाहिए तो हम यहाँ तक ही कर सकते हैं. चूँकि हमें चाहिए तो हमें ये चाहिए इस पर क्लिक करेंगे. ये पार्ट नहीं चाहिए हमें ये पार्ट चाहिए क्योंकि ये टेल होगी तो इस पर क्लिक कर देते हैं. अब हम बाकी सारी चीज़ें जो सेलेक्ट हैं बाहर प्रेस करेंगे अनसेलेक्ट हो जाएगा सारा. अब हमें वो सारी चीज़ें डिलीट करनी है. ये सेप और दिस इसके अराउंड में इसको डिलीट नहीं करना बाकी सारा. ये जैसे लाइन होगी ये लाइन डिलीट करनी है. इसको डिलीट करना है ये डिलीट करना है. एक्चुअली ये सारा ही डिलीट करना है और ये पार्ट डिलीट करना है और हमें ये लाइन भी डिलीट करनी है. ये लाइन यहीं पे रहेगी. अब ये हमारा कुछ फिश टाइप का शेप बन के आ रहा है जो कि अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं है क्योंकि इसकी टेल बनानी पड़ेगी क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट फिश है तो फिश शेप है तो हम थोड़ा राउंड शेप यहाँ पे करते हैं लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा हमें एक शेप देना होगा. ये बहुत ऊपर हो गया इसलिए हमें छोटे ही राउंड शेप लेने पड़ेंगे. चूँकि हमें टेल बीच में से बिल्कुल बराबर होती है तो हम बराबर ही रहते हैं. अब हम इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक शेप बनाएंगे. शेप बिल्डर टूल से ये शेप
ये शेप और ये शेप और ये शेप। बाकी हम डिलीट कर देंगे, ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट भी डिलीट और ये पार्ट भी डिलीट। और यहाँ पे चूँकि ये पूरा पार्ट है, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, चूँकि चाहिए भी, चूँकि हमें ये पार्ट चाहिए, वो अच्छे से राउंड हुआ नहीं, तो हम शेप बिल्डर टूल से वो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट, शेप बिल्डर टूल से ये पार्ट एक कर लेंगे। चूँकि ये राउंड अभी यहाँ पे हुआ नहीं है अच्छे तरीके से, तो हम इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे, माइनस सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और इसको शेप में ले आएंगे। ओके, अभी हमारा फिश का शेप तैयार हो जाता है। क्योंकि इसको छोटा करना चाहे टेल को तो छोटा भी कर सकते हैं, देखते हैं। अब इसमें हम कलर फिल करते हैं, ओके, क्योंकि थोड़ा हेड में थोड़ा डार्क कलर फिल करेंगे। देन यहाँ पे इसे थोड़ा सा लाइट ये कलर, फिर इससे थोड़ा सा लाइट ये कलर, फिर इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। यही कलर रखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे, आई ड्रॉपर टूल आ जाता है, फिर ऐसा करेंगे। क्योंकि अब हमें आउटलाइनिंग नहीं चाहिए, तो आउटलाइनिंग नहीं चाहिए तो इस पर हम नन कर देते हैं, हमारी सारी आउटलाइन इनविजिबल हो जाती है। अब फेस बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए, अब इसकी आइज बनानी है तो हम आइज बना देते हैं। ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको छोटा कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर डार्क रख देते हैं और इसको कलर दे देते हैं। अब इसका माउथ बनाना है तो माउथ मैनुअली बना लेते हैं। अब इस शेप को और इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये नीचे का सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब हमारा ये माउस बन गया। अभी यहाँ पे इसके एक पर टाइप का होता है तो उसको हम बनाएंगे, ये कॉपी करेंगे ऑल्ट प्रेस करके और रोटेट कर देंगे इसको, और माइनस प्रेस करेंगे तो ये टूल आ जाता है हमारा डिलीट एंकर पॉइंट का, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। और फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन में से इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, ये जो नोट आ रहा है इसको क्लिक करेंगे और इसको
इससे क्या होता है, अगर आप एक क्लिक करते हैं तो वही कॉर्नर जो है राउंड शेप में हो जाता है, अगर कोई भी क्लिक नहीं करेंगे तो सारे राउंड शेप में हो जाएंगे। जैसे कि हमें सारे राउंड शेप में करने हैं तो अब देखिए सारे सारे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कर देते हैं और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पे ले आते हैं। चूँकि इतना बड़ा नहीं होता है हमारा, ये छोटा ही होता है, तो इसको थोड़ा शेप में लगा देते हैं इसको। अब ये तो हमारा बेसिक हो गया, हमारा शेप। अब इसमें अगर हम ग्रेडियंट देना चाहें तो ग्रेडियंट दे सकते हैं, कलर कोई दूसरे देने चाहें, कलरफुल देना चाहें। मुझे लगता है टाइल थोड़ी छोटी होनी चाहिए, तो इसको ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ये ज़्यादा छोटी हो गई, इतना ठीक है। अब हमें फिश का लोगो बनाना है तो नीचे फिश लिखना पड़ेगा, FISH। इसको भी ब्लू कर देंगे। और सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके एरो की दबाएंगे, प्रेस एरो की राइट हैंड के, तो हमारा स्पेसिंग थोड़ा बढ़ जाएगा। नहीं भी करते हैं तब भी चल जाएगा, आई थिंक इतना करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा फिस्कल होगा। अगर यही हमें दूसरे शेप में करना है, हम दूसरा लोगो बनाएंगे फिश का। जैसे इसको कॉपी किया, इसको थोड़ा आर्ट प्रेस करके लेफ्ट की करते हैं तो थोड़ा सा पास में आ जाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको आप वाइट करना चाहें तो वाइट भी कर सकते हैं। इसको भी अगर आप वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर सकते हैं। तो हमारा अपना कलर हो गया, और ये हल्का सा ग्रे रखते हैं। दोनों के एक्सप्रेशंस, ये थोड़ा डरी हुई लग रही है और ये बड़ी आक्रामक लग रही है, फेस से ही एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। हमें फेस का लोगो अब बनाना है दूसरे टाइप से, तो हम क्या करते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, रैप में जाते हैं और फेस पे क्लिक करते हैं, तो हमारा शेप कुछ फेस टाइप का ही बन जाता है। यहाँ से हम इसके शेप में चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी हमारी इस टाइप से फेस आ जाती है। तो अभी मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, बाद में आप जैसे मर्जी ऐसे कर सकते हैं। आपको पता चल गया है कैसे करना है, ओके कर देते हैं। और ये पार्ट
तो इस टाइप से हम बहुत ही तरीके हैं फिश बनाने के, वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।